प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 29 तारीख को होने वाला है आपका गणित का पेपर। हाई स्कूल परीक्षा रुक जाना नहीं, दिसंबर में जो आपके पेपर चल रहे हैं 2020 गणित का पेपर, विषय आप देख पा रहे हैं गणित। 29 दिसंबर को आपका पेपर रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी दोस्त हमारे क्लास टेंथ वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार अपने सभी दोस्तों को आप शेयर कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है करिएगा ज़रूर, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार आपको आगे भी अपडेट आवश्यक रूप से मिलती रहेगी। देखिए जल्दबाजी में थोड़ा वीडियो बनाया जा रहा है, इस कारण से थोड़ा आ नहीं पाया है सही से। ठीक है, गणित, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको बिल्कुल थोड़ा सा दिख जाएगा, थोड़ा आराम से देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, वीडियो को थोड़ा रोक कर देख लीजिएगा। दिखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखना है। आंसर सही बताऊँगा, पूरा आंसर भी आपको इसी वीडियो में भी मिलेंगे, ठीक है। और PDF भी अगर आपको चाहिए तो PDF हम आपको टेलीग्राम पर देंगे, टेलीग्राम की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। और अगर हम डालना भूल जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि PDF अभी नहीं डाल पाए आप, सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा ताकि हम आपको तुरंत PDF डाल सकें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे PDF डालने रहते हैं तो भूल जाते हैं कौन सा डालना है, कब डालना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो पूर्णांक रूप होता है दोस्तों, विषम पूर्णांक रूप होता है 2q+1 करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन, 96 और 404 का HCF होगा। तो 96 और 404 का जो HCF होगा वो 4 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि A1 upon A2 = B1 upon B2 = C1 upon C2 हो तो समीकरण निकाय A1x+B1y+C1 = 0 तथा A2x+B2y+C2 = 0 का क्या होता है? अनंतता अनेक हल होंगे, ये आपका आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण AX²+BX+C = 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि B²-4AC > 0 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या होगी दोस्तों 2 मात्रक। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 मात्रक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एक घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता होगी, तो उसकी जो प्रायिकता होती है 0 होती है। एक बार सभी दोस्त इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये इंग्लिश मीडियम के भी क्वेश्चन रहे हैं। अब बात करेंगे हम रिक्त स्थानों की। क्वेश्चन नंबर 2, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो इसको जो कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है प्रेमिका, प्रेमिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, AX²+BX+C बहुपद का उदाहरण है। तो खाली स्थान में आप लिखेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद का उदाहरण है। वे समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? वर्ग समीकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्ग समीकरण कहते हैं, ठीक है। द्विघात इसमें नहीं आएगा, इसमें क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, है ना,
ध्यान रखिएगा, जो रेड पेन से लिखा है वो आपका करेक्ट आंसर है, ना कि ब्लू पेन वाले। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 कोमा माइनस 1/2 कोमा माइनस 3/2 का सर्वांतर, सर्वांतर डी बराबर क्या होगा, माइनस एक, ऋणात्मक ऋण का एक होगा। ठीक है, ऋण का एक करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है तो q/360 गुणित पाई आर स्क्वायर आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, घनाभ में कुल फलक होते हैं तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, लिख के रख लीजिएगा अपनी कॉपी में। दोस्तों गड़बड़ मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सभी विद्यार्थी, सभी जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका गुड नेम क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कौन से दोस्त हमारे कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाला हिट गया हमारा। अब जोड़ी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में जोड़ी हम देखेंगे। गलती किसी प्रकार की जोड़ी में नहीं करना है, यहाँ पर जोड़ी मिला लीजिए। देखिए साइन 90° माइनस थीटा, तो इसको आप मिलाएंगे कोस थीटा। टेन थीटा, तो इसको आप मिलाएंगे मित्रों, इसको आप मिला लीजिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोस 45°, तो इसको आप मिलाएंगे 1/√2। अगला 1+10²θ, फोर्थ का इसमें मिलाओगे आप sec²θ, और sec θ को आप मिला दोगे 1/cos θ, और लास्ट वाले को इससे मिला दीजिएगा आप। ठीक है, ये जोड़ी हो चुकी है आपकी, देख लीजिए, अच्छे से देख सकते हैं आप, और कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपनी जोड़ी देख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार सेम नंबर डाल देना। क्वेश्चन नंबर 4 में एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है, पूरा पेपर बताऊंगा A to Z सॉल्यूशन के साथ, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और आपकी इच्छा हो तो लाइक कर देना, और नहीं हो तो मत करना दोस्तों, क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता है, आप करते हैं नहीं। ठीक है, मैंने शेयर का बोलता हूँ आप करते नहीं हैं, लाइक का बोलते हैं करते नहीं हैं, आप चाहते क्या हो आप। ठीक है, आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जाती है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये क्वेश्चन मदद करेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोगों का ही तो फायदा है, आप क्यों नहीं करते हैं ऐसा काम। तो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, कर भला तो हो भला, यदि आप दूसरे दोस्तों को शेयर करोगे उनका भला होगा, तो आपका भला भी निश्चित रूप से होगा। रैखिक बहुपद की घात लिखिए, 1 होती है, 2√2 कोमा √2 कोमा 0, तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा, अगला पद क्या होगा, तो अगला पद हो जाएगा दोस्तों आपका -√2। ठीक है, ये नहीं, -√2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा 1/2 आधार ऊंचाई हाइट। ठीक है, आगे देखिएगा, बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी लिखिए, तो इसकी जो मूल दूरी होती है दोस्तों वो होती है √x² + y². ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 करेक्ट आंसर होगा। गोले का आयतन संबंधी सूत्र लिखिए, तो 4/3πr³ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संख्याओं के 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर माध्य 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सभी क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। 2 बहुपदों का योगफल 1 बहुपद होता है, असत्य। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, 2 बहुपदों का योगफल 1 बहुपद होता है, सत्य। ठीक है, ये ब्लैक वाले नहीं देखना है आप लोगों को, कौन से वाले देखना है, रेड वाले, सत्य। समीकरण x + y = 5 में यदि x = 1 तो y = 4 है, सत्य। और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सत्य। और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है, नहीं कहलाती, असत्य। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, असत्य, नहीं कहते हैं, 2 बिंदुओं पर नहीं, 1 बिंदु पर करती है स्पर्श, और स्पर्श करके निकल जाती है। वे वर्ग जिसकी आवृत्ति अधिकतम हो बहुलक वर्ग कहलाता है, सही बात है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है,
अब यहाँ पर हो चुके हैं पूरा आपका पेपर जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर मैं 6 से लेकर आपको 23 तक पूरा पेपर बताने वाला हूँ। इन क्वेश्चनों को देख जाइए और पास हो जाइए मेरे दोस्तों। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं आ रहा है हमें, 13 नहीं आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है, 15 नहीं आ रहा है, 16 नहीं आ रहा है, जो भी नहीं आ रहा है कमेंट करके बता दीजिएगा। तुरंत आपको उसका सोल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये PDF भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो आप सभी दोस्त टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन नंबर 23 तक पूरा सॉल्यूशन है, देख सकते हैं आप, ये रहे 23 तक ये पूरा पेपर आपका हो चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं बताना है कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिएगा ज़रूर, ताकि इसी प्रकार अपडेट आपको मिलती रहे। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी आंसर क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।